ओम शांति। आज 5 सितंबर 2020 के दिन साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। 5 सितंबर वैसे भी टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, तो हमारा सुप्रीम शिक्षक, सर्वोच्च शिक्षक आज हमें क्या शिक्षा दे रहा है ध्यान से सुनेंगे और हर बात पर उसका शुक्रिया करेंगे। जो जो गहरा ज्ञान इतने हीरे मोती बाबा ने दिए हैं, जिससे हमारा जीवन खुशहाल मालामाल बनता जा रहा है, तो उस एक एक लाखों लाखों रुपए के रत्न के लिए हम बाबा का शुक्रिया भी करेंगे। आज बाबा को प्यार से कहेंगे हैप्पी टीचर्स डे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार कर घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है, तो यह किस बात से सिद्ध होता है कि उनका अवतरण होता है, यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर है, बाबा को कहते ही हैं करण करावन हार। प्रेरणा का अर्थ है विचार, अचानक कुछ विचार आया, प्रेरणा आई, तो प्रेरणा का अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है, बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्म इंद्रियों बगैर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसीलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही तो बैठेंगी, बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दला। तुम बच्चे समझते हो ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा ये भिन्न नाम दिए हैं। परमपिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता, लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहा जाता, सिर्फ परमपिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परमपिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं कि हम परमपिता के साथ बैठे हैं, परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाया है। ये हो गई नई रचना, रचयिता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पार्ट बजाया है। रचयिता बाप ने हमें समझाया कि तुम बच्चों ने ऐसे पार्ट बजाया है। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं, जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते, जिन्होंने 84 का चक्र लगाया उनसे बाबा बात करते हैं। अब सभी तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं, यह समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, बच्चे जानते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं, हम पाठधारी हैं। और इससे अच्छी बात बाबा कहते हैं हीरो पाठधारी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है, ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे, दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही एक ही आत्मा है, 84 का चक्र लगाते हैं।
बाकी शंकर का पार्ट इस दुनिया में तो कोई है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश और पालना। चित्रों पर समझाना होता है, चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। ये जो कहते हैं प्रेरणा से भगवान करता है, भगवान ने प्रेरणा दी या उसको ऐसी प्रेरणा आई, बाबा कहते हैं प्रेरणा अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं कि आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है, आज कुछ हो ना जाए, आज हमको ऐसी प्रेरणा नहीं आ रही है कि हम बाहर जाएं। प्रेरणा यानी विचार, प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता है, ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्म इंद्रियों द्वारा पार्ट बजाने, कर्म करावन हार है ना, अब कराएंगे बच्चों से, अब शरीर बगैर तो कर ना सके, इन बातों को कोई भी जानते नहीं और ना ही ईश्वर बाप को जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, ना आत्मा को, ना परमात्मा बाप को, कोई में भी ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है, फिट है वो। सर्वव्यापी का ज्ञान मनुष्यों की बुद्धि में फिट है। तुम समझते हो कि बाबा हमारा बाबा है तो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो कि यह बेहद के बाप की फैमिली है, सर्वव्यापी कहने से फिर सर्वव्यापी कहने से फैमिली सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि वो तो कंकर पत्थर हवा दीवार पानी सब में है, तो वो फैमिली की खुशबू नहीं आती है। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तभी तो आत्मा बोलती है कि बाबा, बगैर शरीर तो आत्मा बोल ही ना सके। भक्ति मार्ग में बुलाते ही तो आए हैं, समझते हैं कि वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में और शांति मिलती है शांति धाम में, और ये है दुख धाम तो यहाँ है ही दुख, ये दुख धाम है तो यहाँ है ही दुख। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच ये संगम है। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए स्थापना, नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है, जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से तो साधारण कपड़े पहनकर आते हैं, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से ही अशरीरी आना होता है, पुराने कपड़े साधारण कपड़े पहनकर नहीं, बिना कपड़ों के ही आना है। अशरीरी आते हैं, जो भी कपड़े मिलते हैं यही मिलते हैं। तो यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है, यहाँ आकर यह शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये है बेहद का नाटक। अभी ये बेहद की सारी पुरानी दुनिया है, फिर होगी नई दुनिया, तो बहुत छोटी है और वहाँ एक ही धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म,
अनेक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। वहां तो है ही एक धर्म और थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबर वार कौन कौन से त्योहार हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। नंबर वार कई बार बाबा ने याद कराया है ये तो। नंबर वार कौन कौन से त्योहार है यह तुम बच्चे जानते हो। पहले ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते, शिव जयंती के बाद फिर गीता जयंती, फिर पवित्र बनाते हैं रक्षाबंधन, फिर उस पवित्रता के कारण श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्री कृष्ण पुरी में जाने को हम तैयार होते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी। तो बाबा ने कहा शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबर वार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने अपने धर्म के, है ना, इन बातों को समझेंगे जो अपने इस धर्म के होंगे, सनातन धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भले किसी को दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें तो वो आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे, और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो जो धर्म जिस जिस समय आते हैं उस समय फिर आएंगे। तो बाबा ने कहा पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कहेंगे कि शिव जयंती से फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती, फिर नारायण जयंती, ये तो हो जाता सतयुग, है ना, इसीलिए कृष्ण जयंती बोलते हैं। वो भी लिखना पड़े नंबर वार। ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है, शिव जयंती कब हुई वो भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का तो कोई हॉलीडे ही नहीं है, क्या करें, साल में दो बार आती हैं और लंबी लंबी नौ नौ दिन के नवरात्रे, तो इसीलिए उसका कोई नाम जयंती का नाम नहीं, ना हॉलीडे है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको उसको जानते हैं, इस बीच जो आए उनके साथ ब्राह्मण संबंध रखते हैं उसको जानते भी हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा तो कल्प हो ना सके। बाबा साफ कह रहे हैं ये लाखों करोड़ों वर्ष बोल देते हैं ठीक नहीं है, 5000 वर्ष से बड़ा कल्प हो ना सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य है लक्ष्मी नारायण का, फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता है। बाबा कहते 84 लाख जन्म भी नहीं ले सकते हैं। वो लोग समझते हैं कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, तो इसीलिए भले ये दूसरे जो बाबा ने कहा
कि जास्ती वर्षों का कल्प कैसे होगा, है ना। तो वो लोग समझते कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, मनुष्यों को घोर अंधियारे में डाल दिया है। कहा तो सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है, और कहा सिर्फ कलयुग के लिए कहते कि अभी तो 40,000 वर्ष शेष है। तो जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं कि भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। तो बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर ही आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। तो नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा, इसी के लिए तो यह लड़ाई है। बाबा ने कहा इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। शंकर के, बाबा कहते, प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। अंडरस्टूड है कि पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, अंडरस्टूड है। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए, इसीलिए ये प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, है ना। नई दुनिया चाहिए, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तो तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे वहाँ स्वयंवर होता है। तो ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं, ये रिवाइज तो हो रहे हैं, बार बार वो बातें समझाते हैं, रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। तो बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। ये नहीं कह सकते कि हमें बाबा की याद नहीं आती है, तो बाबा कहते फिर टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं तो वह भी जरूर याद आएगा ना, टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है, याद रखना पड़े, क्योंकि तुम्हारी तो स्टूडेंट लाइफ है ना, स्टूडेंट लाइफ में उद्देश्य होता है और याद रखना पड़ता है। यह भी जानते हो कि जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है, लौकिक, पारलौकिक, और फिर ये है अलौकिक बाबा, ब्रह्मा बाप। तो इनको कोई याद नहीं करते हैं, लौकिक को इससे पहले, ज्ञान में आने से पहले याद करते रहते थे। तो बाबा कहते लेकिन इनको कोई याद नहीं करते, अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा को। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, परंतु तब तक याद रहती है, याद रहती जब तक वर्षा मिलना है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है, जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते आए हैं, हर जन्म में लौकिक बाप मिलते आए हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, उससे कुछ मिलता थोड़ी ही है। इनको अलौकिक कहा जाता है, ब्रह्मा बाप को अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ये रथ भी निमित्त बना हुआ है, बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना। तो रथ का नाम भी तो रखना पड़ता है ना, रथ का नाम भी रखना पड़ता है, ये है बेहद का सन्यास। तो रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है, रथ तो कायम रहता, बाकी का ठिकाना नहीं, चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं। ये रथ कायम रहेगा लेकिन बाकी और ज्ञान में आए, चलते चलते फिर भागंती हो जाते। यह रथ तो मुकर्रर है,
भावने का ये रथ तो मुकर्रर है, ड्रामा अनुसार इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, और ज्ञान भी किसका, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम, बाबा कहते तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा ही इस रथ में बैठ पड़ती है। तुम तो एक ही आत्मा हो ना, तो इसीलिए तुम आत्मा ही अपने इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती है इसीलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो। बाप ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य, इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे, तुम ही देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो कि उच्च पद कौन पा सकते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जिन्होंने उच्च पद पाना है वो कैसे दिखने चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर ही थे, अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वर मत देने वाला, ईश्वर की मत भी वो ईश्वर ही देगा, एक ही है। आसुरी मत देने वाले तो अनेक हैं दुनिया में, बाहर निकल के देखो सब आसुरी मत ही देने वाले हैं। माँ बाप भाई बहन टीचर गुरु, पता नहीं कितनों की मत मिलती है। तो अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म तक काम करती है, काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद पाएंगे। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही है। जिसने कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते हैं, फिर रावण सांवरा बनाते हैं। बाप वर्षा देते हैं तो वह तो है ही वॉइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे, सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर तुम ही तो बनते हो। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही तो सृष्टि रचेंगे ना। ये ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए, तो यहाँ राजा रानी की बात ही नहीं। तो यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा सा समय चलता है। राजाई ना पांडवों की है, ना ही कौरवों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। दूसरा है, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर फिर देवता बनना है। तो यह है बहुत वैल्यूएबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है, हीरे तुल्य बनना है। वरदान है, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी व सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसीलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मग्न रहता है, वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन है, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही आप ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति।